अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद उमर यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट मोहम्मद उमर वकारवान आपको शहर बौनक के गंदे पानी से कहता है खुश आमदेद। आप इस वक्त देख रहे हैं हम मौजूद हैं बौनक के मेन जंग चनियोट रोड पे। ये बौनक का वाहिद अकलौता रोड है जो जंग और चनियोट को आपस में मिलाता है। बौनक का ये रोड अरसा दराज से सीवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है, शहरी शदीद कोफ्त का सामना कर रहे हैं, इंतहाई बुरे मसाइल में लोग फंसे हुए हैं, गुजरने वाले जो बौनक के मकीन हैं वो परेशानी का शिकार है, लोग शदीद कोफ्त का शिकार है। जिससे पूछे वो यही कहता है कि हमारा कोई परेशान हाल नहीं है, हम बौनक के शहरी तो हैं लेकिन बौनक के अरबाब इकतदार इख्तियार हमें हमेशा इग्नोर किए जा रहे हैं। आप इस वक्त भी देख रहे हैं कैमरा के मनाजिर में देख रहे हैं कि बौनक के लोग जो इस रास्ते को यूज करते हुए सफर कर रहे हैं वो शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। जगह जगह पे गड़े हैं, जगह जगह पे पानी कहीं ऊंचा कहीं नीचा, पानी का लेवल एक सा नहीं है, तो इसी वजह से लोग उनकी अपनी मुसाफिर गाड़ियों के जरिए कभी वो गिर जाते हैं कभी दूसरी गाड़ियों में जा लगते हैं, लेकिन इंतजामिया सोई हुई है और कोई लोगों का पुरसाने हाल नहीं है। परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, बड़ी परेशानी है की हुकूमत तो की मुतालबा कर रहा है कैसा हुकूमत रहूं नहीं, कोई नसीहत करना चाहो क्यों, कोई उन्होंने मशवरा देना चाहो, मशवरा रोज सही बना मेनो तावर के आवाम नाल ते मेहरबानी नंदी है तानू तो मसाइल का सामना रोड ते गुजरना, कदी रक्षा डमण लगदा होवे, कदी कोई मसला होर बन जांदा होवे, कोई छतरोड़ जांदी रक्षा दी, बड़ी प्रॉब्लम बनदी है, कोई खराबी हो जाता जी। हां जी, बहुत शुक्रिया। अभी हम और लोगों से भी उनकी आवाज जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। एक रिक्शे वाला, उसका रिक्शा खराब हो गया, उनसे पूछते हैं कि कोई नहीं उन्हें तुसी इत्थे क्यों बदे हो, पानी में से रेस्क्यू 11-22 की एम्बुलेंस जो है वो भी गुजरने लगी है। आप देख रहे हैं कि मुसाफिरों को जो मुश्किलात है वो तो है, लेकिन जो सरकारी गाड़ी जो मरीजों को शिफ्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे या इमरजेंसी को डील करती है, रेस्क्यू 11-22 की गाड़ी वो भी इसी गंदे पानी से गुजरेगी और वो भी किसी न किसी मसले का शिकार हो सकती है, किसी हादसे का शिकार हो सकती है। आप इस वक्त मुलाहजा कर रहे हैं कि कभी कोई नुकसान हो सकता है, कोई परेशानी हाल नहीं बौनक का, कोई बौनक की दाद रसी करने वाला नहीं है, सब ने बौनक को बे यारो मददगार छोड़ा हुआ है। कभी किसी ने यह फिक्र नहीं की कि बौनक के लोग जो हैं वो किस किस्म पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस गंदे पानी में बौनक को छोड़ दिया गया है कि बौनक के बच्चे जो स्कूल जाते हुए अक्सर मोटरसाइकिल उनके यहाँ पे पंचर हो जाते हैं और फिर जब मोटरसाइकिल पंचर होने के साथ वो मोटरसाइकिलों से गिर जाते हैं, बच्चियां लड़कियां बूढ़े नौजवान गर्ज हर बंदा बौनक का जो रिहायशी है या बौनक के इस रोड को गुजर के इस्तेमाल करके इधर उधर जाता है वो सब मसाइल का सामना कर रहे हैं। कहते हैं जी बन रहा है फलां हुकूमत आई, रिजीम चेंज हो गई, उस वजह से ये रोड रुक गया, फिर वो दोबारा हुकूमत उनकी पंजाब में आ गई, रोड का काम शुरू ना हो सका। चले रोड का काम तो नहीं शुरू हो सका, लेकिन ये जो पानी इर्द गिर्द खड़ा हुआ है जिसने इस बौनक के मेन जंग चनियोट रोड को अपने अंदर समोया हुआ है, इस रोड का कौन परेशाने हाल है, बौनक की आवाम का कौन परेशाने हाल है, कोई तो जिम्मेदारी उठाए ना इस बौनक के इस सीवरेज के मसाइल की। जब इस हवाले से एसी बौनक से पूछा जाता है, साबिक एसी मेहताब बलोच से जब पूछा गया कि जब मोहल्ला इरशाद की सीवरेज एक हफ्ता बंद रही, उनसे पूछा गया कौन इसको ठीक करेगा, कौन इसका जिम्मेदार है, तो उन्होंने कहा कि बौनक अब यूनिट बन चुका है और वो जिला काउंसिल के पास चला गया है, लिहाजा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जो है उसका अब बौनक की सीवरेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चले अब वो अगर नहीं इसकी जिम्मेदारी ले रहे तो सीओ म्यूनिसिपल कमेटी बौनक वो किधर सोए हुए हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है बौनक की सीवरेज को ठीक करना, लेकिन कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा, कोई बौनक के लोगों की मदद को नहीं आ रहा। कोई पहले सीओ का जो ऑफिस था वो अमले की कमी का रोना रोता था, लेकिन अब तो 11 नए बंदे भी भर्ती हो चुके हैं, वो लोग किधर है, अब तो अमले की कमी जो है वो भी पूरी हो चुकी है, लेकिन उस सब के बावजूद बौनक का रोड जो है और बौनक की सीवरेज जो है और बौनक की गली वालों की सीवरेज जो है वो नागुफ्ता बेहालत का सामना कर रही है, कोई बौनक को सीरियस नहीं ले रहा कोई है। लेकिन इसकी गाड़ी भी बंद हो जाती है तो इसलिए हम पानी बहुत गुजारिश की है, टाउन वाले आते नहीं है इधर,
इंतजामिया अब क्या करे, इंतजामिया भी घर बैठा है। इंतजामिया भी इधर गड्डी भी उल्टी जाती है कभी कभी, किसी की गाड़ी का टायर पंचर गाड़ी बांधा धक्का लगाना पड़े। बौना की हालत से हम मुतमईन है, हम बौना को डूबते हुए देखना पसंद करते हैं। बौना डूबे, बौना लूटा जाए, बौना मर जाए, बौना के लोग मारे जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बेटा 1000 होने वाले हैं, देखा हूँ आपने मेरा चैनल टू डे विद उमर। ये चीज जो आप देख रहे हैं, ये एक मोटरसाइकिल वाला शहर की जानिब से आया और वो बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचा है। इन्हीं हालात का रोना हम रो रहे हैं, यही हालात हम आपको कैमरे के मनाजिर में दिखा रहे हैं। अच्छा, लोग इस हवाले से इतने भी हिस्स हो गए भौना के, जब उनसे पूछा जाता है कि आप भौना के मसाइल पे बात करें तो वो लोग ये कहते हैं कि क्या है, भौना डूबे डूब जाए, भौना गिरता है गिर जाए, भौना के लोग जो हैं वो मरते हैं मर जाएं, लेकिन हम भौना के मसाइल पे बोलेंगे नहीं। ये हमारे लोगों की हालत हो चुकी है।